दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एक और नए अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमने कोई भी अपडेट नहीं देखा था, कुछ पर्सनल काम आने की वजह से इतने दिन हमने भी अपडेट नहीं देखा था, लेकिन अब हम कंटिन्यू अपडेट देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के एमपी बॉर्डर से लेके दाहोद इंटरचेंज तक का अपडेट हम देखने वाले हैं। कितना कुछ काम हुआ है इस पैकेज पे, जो कि एमपी बॉर्डर से दाहोद इंटरचेंज जो कि लीमड़ी में बनाया जा रहा है वहां तक का अपडेट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, और आगे कंटिन्यू वडोदरा की साइड अपडेट देखते हुए चलेंगे। इस पैकेज पे एटलास कंपनी काम कर रही है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है। सामने आप देख सकते हैं आपको कंप्लीट एक्सप्रेसवे बना हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि इस साइड पे आपको अभी अर्थवर्क होता हुआ ये अलाइनमेंट दिख रहा है। सामने अनास रिवर है, और अनास रिवर के उस साइड पे मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जबकि ये साइड पे गुजरात का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश में बनकर ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट है। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे तक थांडला इंटरचेंज है, जहाँ से अभी इस एक्सप्रेसवे को ऑपरेशनल भी कर रखा है, जबकि इससे आगे गुजरात में अभी आपको इस एक्सप्रेसवे पे काम होता हुआ दिखेगा। जैसे ही हम इस मध्य प्रदेश की सीमा को पार करके गुजरात में एंट्री करेंगे तो हमें इस अलाइनमेंट पे अर्थवर्क का काम होता हुआ दिखेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रिज बनाया जा रहा है, उस पे गर्डर इरेक्शन का काम अभी होता हुआ दिख रहा है, और इसके जैसे जैसे आगे चलेंगे तो ज्यादातर हिस्सों में हमें अर्थवर्क ही होता हुआ दिखेगा, जबकि कुछ हिस्सों में हमें ब्यूटुमन रोड भी होता हुआ दिखाई देगा। सामने आप देख सकते हैं कि जो ब्यूटुमन का रोड है वो काफी लंबे हिस्से में बनकर कंप्लीट है, जबकि इसके आगे हमें अर्थवर्क होता हुआ दिखेगा। ये ब्यूटुमन का रोड आपको गुलटारा विलेज के पास तक देखने को मिलेगा। सामने आप देख सकते हैं कि ये दाहोद लिंक रोड है, और इस पे ब्रिज का काम होना अभी बाकी है। हम इस रोड से जैसे ही आगे चलेंगे तो हमें कुछ हिस्से में ब्यूटुमन का रोड होता हुआ दिखाई देगा, जबकि ज्यादातर हिस्से में अभी अर्थवर्क ही होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मेन अलाइनमेंट पे अर्थवर्क का काम होता हुआ दिख रहा है, और जो मेजर स्ट्रक्चर हैं उनका कंस्ट्रक्शन होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमें अर्थवर्क ही होता हुआ दिखाई देगा, जबकि छोटे छोटे हिस्सों में ब्यूटुमन का रोड भी कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे तो इस पैकेज में ज्यादातर हिस्से में हमें अर्थवर्क ही होता हुआ दिखेगा, और जो मेजर स्ट्रक्चर है उनका काम होता हुआ दिख रहा है। अगर इस पैकेज को कंपेयर करें दिल्ली से लेके वडोदरा तक पूरे सेक्शन में, तो सबसे कम काम आपको इसी हिस्से में देखने को मिल रहा है, और लाजमी भी है, क्योंकि यहाँ पे जमीन काफी असमतल है। आप देख सकते हैं कि ज्यादातर हिस्से में पहाड़ ही आपको देखने को मिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे तो हमें अर्थवर्क ही होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे कुछ हिस्सों में जीएसबी का काम कंप्लीट कर रखा है। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हमें
लीमड़ी इंटरचेंज दिखाई देगा, जिसपे ज्यादा कुछ काम होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। ये दाहोद लीमड़ी रोड है और इसी पे लीमड़ी इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इस रोड से थोड़ा आगे चलेंगे तो हमें इंटरचेंज पे काम होता हुआ दिख रहा है। इस इंटरचेंज पे एंट्री एग्जिट ये साइड से होगी और सामने आप देख सकते हैं कि जो टोल स्ट्रक्चर बनने वाला है उसके जगह पे सीमेंट कंक्रीट का रोड बनकर कंप्लीट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये इंटरचेंज रहेगा और इंटरचेंज का जो जगह है उसको क्लीन कर रखा है और अर्थवर्क कर रखा है, जिसके साइड वॉल का निर्माण भी यहाँ पे आपको होता हुआ दिख रहा है। अगर ओवरऑल इस हिस्से की बात की जाए तो इसमें 50% काम अभी होता हुआ दिख रहा है, जबकि 50% काम होना अभी बाकी है। जहाँ पे अलाइनमेंट पे अर्थवर्क होना भी अभी बाकी है, जबकि ज़्यादातर हिस्सों में जो मेजर स्ट्रक्चर हैं उनका काम होना भी बाकी है। आज के इस वीडियो में अपडेट यहाँ तक ही था। इसके आगे का अपडेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि लीमड़ी इंटरचेंज से गोधरा इंटरचेंज का होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, जय भारत।